भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। आइए सुनते हैं आज की कहानी नीलकंठ। एक राजा के संतान नहीं थी। उसने सपना देखा कि उसके राज्य में यदि कोई व्यक्ति एक दिन भी भूखा प्यासा नहीं सोएगा तो राजा के तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। राजा ने चारों ओर मुनादी करवा दी कि कोई भी भूखा प्यासा न रहे। चारों ओर भोजन पानी कपड़ा मुफ्त में बांटा जाने लगा। एक दिन एक महात्मा जी आए और राजा से बोले, राजन शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र होगा, पर उसे तुम देखना नहीं, यदि देखोगे तो उससे हाथ धो बैठोगे। राजा के पुत्र हुआ लेकिन राजा ने उसे देखा नहीं। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और उसका विवाह तय हुआ। बंद डोली में बारात के साथ दूल्हा चला। रास्ते में एक बाग में बारात रुकी। राजकुमार लघु शंका के लिए बाहर निकला तो वहां एक परी उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने राजकुमार को एक पर्चा लिख कर दिया कि जब वो 6 भावर हो जाए तब अपनी सास को यह पर्चा पकड़ा देना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। 6 भावर होते ही उसने पर्चा अपनी सास को पकड़ा दिया। पर्चा पकड़ते ही राजकुमार धड़ाम से गिर पड़ा और निर्जीव हो गया। रोते पीटते सब लोग राजकुमार का निर्जीव शरीर लेकर चल पड़े। राजकुमारी भी अपने वर की देह के साथ चल पड़ी। लौटते समय उसी बाग में बारात फिर रुकी। जब बारात चलने को हुई तो राजकुमार के शरीर वाली संदूक उठाने पर उठी ही नहीं। दुल्हन राजकुमारी ने उस संदूक के चारों ओर परिक्रमा करके प्रणाम किया और स्वयं संदूक उठाने लगी तो आकाशवाणी हुई, अब ये संदूक यहीं रहेगी, जाकर तुम अपने दिन काटो। विवश दुल्हन रोती बिलखती अपनी ससुराल आई और सदावर्त लौटाते हुए पूजा पाठ करके अपने दिन काटने लगी। एक दिन राजकुमारी के मायके से एक गरीब लकड़हारा आ रहा था। वो उसी बाग में रुका जहां राजकुमार की लाश वाली संदूक पड़ी थी। वहीं पर रात हो जाने के कारण लकड़हारा एक पेड़ पर बैठकर रात काटने के लिए आराम करने लगा। इतने में उसने क्या देखा कि वहां परियां जुटाई हैं और राजकुमार की लाश वाली संदूक खोलकर उसे जीवित कर लिया है। परियां राजकुमार के साथ नाचने लगीं। सुबह होने से पहले ही परियों ने राजकुमार को फिर मुर्दा करके संदूक में बंद कर दिया और वे सब गायब हो गईं। लकड़हारा राजकुमार के देश पहुंचा और सदाव्रत लौटाती राजकुमारी दुल्हन से अचरज भरी ये घटना कह सुनाई। राजकुमारी ने अपने ससुर की आज्ञा लेकर तीर्थ करने के बहाने बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया और घर से निकल पड़ी। उस बाग से थोड़ी दूर पहले ही वो अपने दल के साथ रुकी। रात को अकेली ही उस बाग में पहुंची और एक बाड़ी में छिपकर देखने लगी। परियां आईं और राजकुमार को जिंदा करके नाचने गाने लगी तो वो अचरज से भरकर चुपचाप देखती रही। परियों ने सुबह होने से पहले राजकुमार को फिर मुर्दा करके संदूक में बंद कर दिया और वे सब चली गईं। उनके जाने के बाद दुल्हन ने संदूक खोला और जैसा कि परियों को करते देखा था, राजकुमार के पैर के पास रखी छड़ी हाथ में छुआ दी और हाथ की छड़ी पैर में छुआ दी। राजकुमार जीवित हो उठा। अब राजकुमार ने अपनी दुल्हन से कहा कि तुम मुझे पहले जैसा करके शीघ्र यहां से भाग जाओ, नहीं तो परियां तुम्हें देख लेंगी। अब दुल्हन ने हाथ की छड़ी हाथ में और पैर की छड़ी पैर में छुआ दी तो राजकुमार फिर मुर्दा बन गया। उसकी लाश को संदूक में बंद करके दुल्हन लौट आई। दूसरी रात को दुल्हन ने 16 श्रृंगार किए और जाकर फिर वही झाड़ी में बैठ गई। जब परियां आईं तो राजकुमार को जीवित करके नाचने लगी। राजकुमार मृदंग बजाने लगा। दुल्हन झाड़ी में से निकलकर परियों के साथ नाचने लगी। राजकुमार उसकी ताल पर मृदंग बजाने लगा। वो जितना ही तेज नाचने लगी वो उतना ही तेज मृदंग बजाने लगा। परियां उसकी ताल पर नाचने में उस दिन साथ नहीं दे पाईं और सब हैरान हो गईं। राजा इंद्र बैठकर नाच देख रहे थे। वे प्रसन्न होकर दुल्हन से बोले कि तुमने अपने नृत्य से हमें प्रसन्न कर दिया, तुम जो भी मांगो हम तुम्हें देंगे। दुल्हन ने वरदान मांगा कि हमें मृदंग वाला राजकुमार दे दीजिए। इंद्र भगवान ने वरदान दे दिया।
उन्हें जब पता चला कि वो सुंदरी धरती की प्राणी है तो इंद्रदेव पछताने लगे, पर अब वरदान दे चुके थे। दुल्हन राजकुमारी अपने पति को लेकर घर लौटी तो राजा रानी और समस्त प्रजा को बड़ा आनंद मिला। जीवन सुधरेगा प्राणी होगा।